बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मोहतरमा साथजाए कराम और मेरे प्यारे साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपको अल्लाह ताला की पहचान के बारे में बताऊंगा। अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया और उसे अशरफुल मखलूकात बना दिया और सारी कायनात को उसके मुसख़र कर दिया। अगर हम कायनात में गौर व फिक्र करें तो हमें पता चलेगा कि अल्लाह ताला की एक एक चीज़ में अल्लाह ताला की कुदरत है। इंसान के अंदर भी पता नहीं कितने सिस्टम चल रहे हैं, और एक इंसान के अंदर नहीं बल्कि 700 मिलियन इंसानों के अंदर एक अल्लाह ही चला रहा है। और सिर्फ इंसान ही नहीं, बाकी दुनिया में जितनी भी मखलूकात हैं सब के जो निज़ाम चला रहा है वो अल्लाह ताला ही है। अल्लाह ताला ने अल्लाह ताला की कुदरत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अंधेरी रात में काले पहाड़ पर काली चट्टान के नीचे एक चींटी को अल्लाह ताला देखता है और उसकी आवाज़ को महसूस करता है, और उसके जब वो चलती है तो उसके बनने वाले निशानात को भी अल्लाह ताला देख रहा है। अल्लाह ताला की कुदरत इस कायनात के ज़र्रे ज़र्रे में छुपी हुई है। बकौल शायर, हमने तुझे जाना है फ़कत तेरी अता से, सूरज के उजाले से, फिजाओं से, खला से, चाँद और सितारों की चमक और ज़िया से, मट्टी के ख़जानों से, अनाजों से, ग़ज़ा से, बिजली के चमकने से, कड़कने की सदा से, खुद ही अपने किए हुए गुनाह से, मोती की नज़ाकत से, तो हीरे की जरा से, हर रंग के हर शान के फूलों की खबा से, इबलीस के फितनों से, तो आदम की खता से, और साफ इब्राहिम से, यूसुफ की हया से, और हज़रत अयूब की तस्लीम और रज़ा से, ईसा की मसीहाई से, मूसा के आज़ाद असा से, नमरूद के फिरौन के अंजाम फना से, काबा के तकद्दस से, तो मरवा और सफ़ा से, एक नूर जो निकला था कभी गारे हिरा से, हमने तुझे जाना है फ़कत तेरी अता से। शुक्रिया।